क्वेश्चन नंबर 79, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर हुज डायगनल इज 40√2 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4, देन इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वेयर इज। आपको क्या बोला है, रोम्बस की जो साइड है, ईच साइड मीन्स जो एक आपको पता है रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, वो किसके बराबर है, रोम्बस की साइड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर हुज डायगनल इज मीन्स जो रोम्बस की साइड है वो स्क्वेयर की साइड के बराबर है, लेकिन जो स्क्वेयर की जो स्क्वेयर है उसका आपको साइड नहीं दी, उसका डायगनल की लेंथ दे दी। दोबारा सुन लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जो रोम्बस है उसकी साइड स्क्वेयर की साइड के बराबर है, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वेयर हुज डायगनल इज, पर उस स्क्वेयर का आपको डायगनल दे रखा है ना कि साइड दे रखी है। मीन्स ये स्क्वेयर है, अगर ये रोम्बस है, अगर इसकी साइड में ए मान लेता हूँ, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये जो रोम्बस की साइड है वो स्क्वेयर की साइड के बराबर है। मीन्स स्क्वेयर की साइड भी क्या होगी, ए ए ए ए, और इस स्क्वेयर का आपको क्या दे रखा है, डायगनल दिया हुआ है, ठीक है, और ये डायगनल कितना दे रखा है आपको, 40√2। आपको अगर डायगनल दिया है, आपने उसकी साइड निकालनी है स्क्वेयर की, तो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, जो डायगनल होता है उसको √2 से डिवाइड कर देते हैं, 40√2/√2 कट गया, तो साइड कितनी आ जाएगी, 40। डिवाइड क्योंकि एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू ए है, ए परपेंडिकुलर, ये बेस है इसकी ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 40√2, मीन्स 40√2 का स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इक्वल टू, एक मिनट इसको रब कर लेता हूँ, करार दिखने का आपको, ये कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर, या फिर बोलो परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर। तो परपेंडिकुलर इसमें ए है, साइड्स बराबर होती हैं स्क्वेयर में, परपेंडिकुलर भी उतना ही होता है और बेस भी उतना ही होता है। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कितना होगा, 40√2 का स्क्वेयर। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या होगा, 2a² इक्वल टू 40√2, मीन्स इसका स्क्वेयर करो, मीन्स 40√2 इंटू 40√2, तो कितना बन गया, 40 × 40 इकट्ठा लिख लो, और √2 × √2 क्या बन गया, 2a² 2 से 2 काट दो, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 40 × 40, तो ए कितना आ गया, √40 × 40, तो कितना आ जाएगा, एयर बन गया, 40 बाहर आ जाएगा, तो आ गई ना साइड 40। तो जो स्केयर है उसकी चारों साइड क्या आएंगी, 40 40 40, ठीक है, और जो रोम्बस आपको बोला है उसकी रोम्बस की साइड स्केयर की साइड के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 40 40, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 40 40, ठीक है, ये भी चारों साइड्स क्या आ जाएंगी, 40 आ जाएंगी। आपसे पूछा है, अब आपको बोला इफ़ द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4, अब जो डायगनल के जो जो रोम्बस है उसके जो डायगनल्स हैं उनकी रेशियो दे दी, कितनी दे दी, 3:4, ठीक है, 3:4 दे दी। मीन्स अगर एक डायगनल, तो अगर एक डायगनल को मैं 3x मान लेता हूँ, क्योंकि 3:4 है, तो दूसरा क्या होएगा, 4x। रोम्बस के डायगनल की प्रॉपर्टी होती है, जो डायगनल होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इतना हिस्सा डायगनल का इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है किसका, रोम्बस का, बोला ना इफ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4 देन इट्स एरिया इज, अगर लेंथ और ब्रेथ सॉरी जो जो डायगनल है रोम्बस के वो 3:4 में है, तो उस रोम्बस का एरिया निकालो। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, दो होते हैं फॉर्मूले, एक होता है बेस इंटू हाइट और दूसरा क्या होता है, हाफ इंटू d1 × d2। बेस इंटू हाइट मैं लगा नहीं सकता क्योंकि बेस तो पता है चलो, पर इसकी हाइट नहीं पता, ही हाइट अगर मैं ड्रॉ करूँ, हाइट नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ठीक है, ये ले सकता है ½ × d1 d2, क्योंकि d1 और d2 का जिक्र किया गया है, पर पता नहीं है d1 d2, वो निकालने पड़ेंगे।
अब देखो कैसे निकालना, ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा इसको मैं। अगर ये पूरा डायगनल 4x है तो आधा ऊपर रह जाएगा, है ना, इतना इतना कितना होएगा, इतना 2x होएगा और बाकी आधा क्या होगा, नीचे होगा 2x, हो गया पूरा 4x। ये पूरा 3x है, पूरा अगर 3x है दूसरे वाला डायगनल, तो आधा ये कितना होगा, डेढ़, 1.5x होएगा, और बाकी क्या होगा, ये भी कितना होगा, 1.5x, तभी पूरा 3 बना है। ठीक है, आपको एक चीज़ और पता है, जो डायगनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। मीन्स यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये इसका एक तरह से बेस काम करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर, और एक है हाइपोटन्यूज। मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको सीधा करके बना रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप बनाओगे अपने इस ट्रायंगल को, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। ये जो ये बेस का काम करेगा कौन, 2x, ये ये परपेंडिकुलर का काम करेगा 1.5x, और ये जो ये है ये क्या बन जाएगा इसका, हाइपोटन्यूज। कितना ये पता है आपको, 40। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटन्यूज, ये हाइपोटन्यूज आपका, ये बेस है, और ये क्या आपका, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटन्यूज कितना है, 40, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है, 1.5 1.5 x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 2 2 x का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, इक्वल टू 1.5 x का स्क्वायर कितना होगा, 1.5 × 1.5, 2.25 x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेना इजी है। 2 x × 2 x कितना हो जाएगा, 4 x स्क्वायर। ठीक है, कितना बना, 6.25 x स्क्वायर, 4 में 2.25 ऐड करो, 6.25 x स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 1600, इतना आ गया। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, 6.25 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 1600 बटा 6.25 इंटू नहीं आएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, काटना नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1600 अपॉन 6.25। तो ये क्या बनेगा, एक्स वैल्यू क्या आएगी, 1600 का अंडर रूट कितना होगा, 40, और 6.25 का अंडर रूट क्या आएगा, 2.5। तो कितना बनाए, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा लो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ऊपर एक के बाद एक जीरो लग जाएगा। इसको काटो, ये 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, अब फिर से 5 पे काटो, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 8 2 ज़ा, ऊपर 8 2 ज़ा 16, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई, 16 x 16 आ गया। इनसे आपको ये पता लग गया, ये जो है x16 है। तो अब आपको डायगनल निकल जाएंगे। डायगनल हमने क्या माना था, एक डायगनल हमने d1 कितना माना था, एक 3x माना था, एक क्या माना था, d2 कितना माना था, 4x, ऐसे ही माने थे ना, तो इसको हाफ कर दिया था, 2x और 1.5x कर दिया इनको, तो 3x, 3 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 3 × 16, तो कितना बनेगा, 48। d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 16, 16 3 ज़ा 48, और d2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 4x है ना, 4 × 16, 16 32 64, d2 कितना आ गया, 64। तो एरिया निकालना है, एरिया निकाल देते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, ½ d1 × d2। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल देते हैं, तो देखते हैं कैसे निकालना है, निकाल देता हूँ। तो आपका जो एरिया बनेगा वो बनेगा, एरिया इक्वल टू ½ d1 मेरा आया 48, और d2 आया मेरा 64। काटो, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, मीन्स 24 × 64। तो कितना बनेगा, देखो, 4 4 ज़ा 16, पीछे 6 आ रहा है, ऑप्शन है कोई 6th वाला, ये रहा 4th ऑप्शन, तो आंसर तो 4th ऑप्शन आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो जाए, 24 × 64, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 8 1 9, क्रॉस 6 6 24, 2 कैरी, 6 2 12, 13 14, फिर हमें 6 9 4 13, 1 4 5 1 15 36, ये बना देगा 4th ऑप्शन।